दोस्त हो तो ऐसा हो। उन चारों को होटल में बैठा देख रमेश हड़बड़ा गया। लगभग 25 सालों बाद वे फिर उसके सामने थे। शायद अब वो बहुत बड़े और संपन्न आदमी बन चुके थे। रमेश को अपने स्कूल के दोस्तों का खाने का ऑर्डर लेकर परोसते समय बड़ा अटपटा लग रहा था। उनमें से दो मोबाइल फ़ोन पर व्यस्त थे और बचे हुए दो लैपटॉप पर। रमेश पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया था और दूसरे शहर में नौकरी करने आ गया था। उन्होंने उसे पहचानने का प्रयास भी नहीं किया। वे खाना खाकर बिल चुकाकर चले गए। रमेश को लगा कि उन चारों ने शायद उसे पहचाना नहीं या फिर उसकी गरीबी देखकर जानबूझकर कोशिश ही नहीं की। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और टेबल साफ करने लगा। टिश्यू पेपर उठाकर कचरे में डालने ही वाला था, अचानक से उन्होंने उस पर कुछ जोड़ घटाया हुआ उसे ऐसा लगा। अचानक उसकी नज़र उस पर लिखे हुए शब्दों पर पड़ी। लिखा था, अबे साले, तू हमें खाना खिला रहा था तो तुझे क्या लगा, तुझे हम पहचानेंगे नहीं। अबे 20 साल क्या, अगले जन्म बाद भी मिलता ना तो तुझे हम ज़रूर पहचान लेते। तुझे टिप देने की हिम्मत हम में से किसी में भी नहीं थी। हमने पास ही एक फैक्ट्री के लिए जगह खरीदी है और आज तेरा इस होटल का आखिरी दिन है, ये समझ ले तू। हमारे फैक्ट्री की कैंटीन कौन चलाएगा बे, तू ही तो चलाएगा ना। तुझसे अच्छा पार्टनर और कहाँ मिलेगा हमें। याद है ना, स्कूल के दिनों में हम पांचों एक दूसरे का टिफ़िन खा जाते थे। आज के बाद रोटी भी मिल बांट कर खाएंगे साथ साथ में। जल्दी से अपनी नौकरी छोड़कर बाहर आ, हम कार में तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। रमेश की आंखों से आंसू बह निकले। दोस्त जिंदगी की अनमोल पूंजी है, अनमोल धरोहर है। ऐसे ही और बेहिसाब वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए राधे राधे।